गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न मैथ। आज हम लोग क्लास फोर्थ और फिफ्थ के मैथ में स्क्वायर के विषय में पढ़ेंगे। स्क्वायर का डिफिनेशन आपको पहले ही बताया जा चुका है, तो आज हम इसका पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालते हैं यह सीखेंगे। तो कितने लोग स्क्वायर का डेफिनेशन बता सकते हैं? कितने लोगों ने लर्न किया? ठीक, वेरी गुड। तो ए रेक्टेंगल इन विच ऑल द फोर साइड आर इक्वल, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ईच एंगल आर 90 डिग्री, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ईच एंगल इज 90 डिग्री, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है वह स्क्वायर कहा जाता है। तो देखिए, ए बी सी डी यह एक स्क्वायर के रूप में है। यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, फोर साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री, एंगल डी 90 डिग्री, एंगल ए 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री, फोर साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर, वह स्क्वायर कहा जाता है। स्क्वायर के पेरीमीटर के विषय में आपको पहले वीडियो में बताया भी जा चुका है, और फिर से हम रिविजन कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड मल्टीप्लाई फोर, साइड मल्टीप्लाई फोर। जब हम साइड में फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह पेरीमीटर कहा जाता है, या सम ऑफ फोर साइड, या चारों भुजाओं को हम जोड़ लेते हैं तो भी पेरीमीटर होता है, या भुजा में हम फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी पेरीमीटर होता है। एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, जिसको हम हिंदी में भुजा गुणे भुजा करते हैं। यह सब तो आपको पिछले वीडियो में बताया भी जा चुका है। आज हम चलते हैं, यदि पेरीमीटर दिया गया हो, यदि पेरीमीटर दिया गया हो तो हम एरिया कैसे निकालेंगे? यदि पेरीमीटर दिया गया हो तो हम एरिया कैसे निकालेंगे? तो बेटा, इसके पहले आपको बताया भी जा चुका है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई फोर, तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन फोर होता है। जब हम पेरीमीटर में फोर से डिवाइड करते हैं तो बेटा वह साइड निकलता है। साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन फोर,
perimeter upon 4, area is equal to side multiply side. यह आपको बताया भी जा चुका है. तो देखिए यहां इस क्वेश्चन में पेरीमीटर इक्वल टू 32, पेरीमीटर इक्वल टू 32 आपको एरिया निकालना है. तो बेटा पहले हम साइड निकालेंगे, क्योंकि एरिया इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड. तो साइड हमको नहीं पता है, तो पहले हम साइड निकालेंगे. पेरीमीटर 32 अपॉन 4, 32 अपॉन 4. तो 4 से 32 को हम डिवाइड करेंगे, 4 एट जा 32, 4 एट जा 32. इस तरह से इसका साइड 8 आया, 8 cm. अब देखिए इस स्क्वायर का साइड 8 cm. तो स्क्वायर में 4 साइड आर इक्वल, तो बेटा BC 8 cm, तो CD भी 8 cm और DA भी 8 cm और AB भी 8 cm होगा. ये साइड निकल गई. अब हमको निकालना क्या है, एरिया. क्या निकालना है, एरिया. तो साइड आपको 8 cm मिला, साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 8 cm मल्टीप्लाई 8 cm, जिसे हम साइड का स्क्वायर भी कहते हैं, साइड का स्क्वायर. तो बेटा 8 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64. इस तरह से हम cm में cm से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा cm स्क्वायर होता है, cm स्क्वायर. तो इसका आंसर 64 cm स्क्वायर हुआ. यदि बेटा एरिया दिया गया हो, जैसे एरिया इक्वल टू 144 और पेरीमीटर हमें निकालना है, पेरीमीटर निकालना है और साइड हमको नहीं पता है. साइड नहीं पता है तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है साइड मल्टीप्लाई 4. इक्वल टू, अब देखिए साइड मल्टीप्लाई 4 पेरीमीटर इक्वल टू होता है, और यहां साइड नहीं पता है, एरिया दिया गया है. जब एरिया दिया गया हो, हमें साइड निकालना हो, तो बेटा अंडर रूट एरिया, इसका अर्थ हुआ एरिया का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, जिसको हिंदी में वर्गमूल कहते हैं. तो बेटा 144 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे. स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको 2 फॉर्मूले बताए गए थे. एक तो बेटा हम राइट से
टू नंबर का पेयर बना लेते हैं, वन टू। और लेफ्ट में अगर टू नंबर नहीं मिलता है तो वन नंबर का ही पेयर होता है। और वन वन जा वन, वन से हम वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिजल्ट जीरो होता है। जो क्वेश्चन होता है अब उसे हम डिवाइजर में ऐड कर देते हैं, लेकिन इसमें शर्त एक होती बेटा, जितना डिवाइजर होगा उतना ही क्वेश्चन भी होना चाहिए। वन बाय वन ऐड करते हैं, टू, फिर टू जा यहां 44, और स्क्वायर रूट में पेयर साथ साथ नीचे आते हैं, तो फिर बेटा फिर 2 जा 22 जा 44, आंसर 1। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो फिर देखिए 144, जैसे आप एलसीएम को निकालते हैं ठीक उसी तरह से इसको भी निकालेंगे। यह नंबर सबसे छोटे किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, आपको बताया गया है जब किसी भी नंबर के लास्ट में या राइट में जीरो होता है, टू होता है, फोर होता है, या सिक्स होता है, या एट होता है, तो वह नंबर निश्चित रूप से टू से डिवाइड होता है। तो ये नंबर भी टू से डिवाइड होगा, 2 7 14 2 2 4। फिर वैसे ही अब 72 क्या टू से डिवाइड हो सकता है, लास्ट में टू है, यह नंबर भी टू से डिवाइड होगा, 2 3 6 2 6 4। फिर बेटा क्या यह नंबर टू से डिवाइड हो सकता है, लास्ट में 6 है, यह नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2 2 8 16। फिर बेटा क्या 18 टू से डिवाइड हो सकता है, 2 9 18। अब 9 टू से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो बेटा इसमें 2 2 नंबर का पेयर करेंगे, 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर। तो बेटा हर पेयर से 1 नंबर हमने लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। पहले पेयर से एक नंबर लिया 2, दूसरे पेयर से एक नंबर लिया 2, और तीसरे पेयर से एक नंबर लिया 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। ऐसे भी इसका आंसर 12 आया, इक्वल अंडर रूट 144 इक्वल टू 12। अब ये साइड हो गया, पेरिमीटर आप निकाल सकते हैं, साइड मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 4 12 cm मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 48 cm, यह आपका पेरीमीटर हुआ। इस तरह से बेटा हम स्क्वायर का पेरीमीटर, एरिया, और जब एरिया दिया गया हो तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, और पेरीमीटर दिया गया हो तो एरिया कैसे निकालते हैं,
इस तरह से करते हैं। थैंक यू।